मित्रों, विचार क्रांति अभियान अंतर्गत आजना वार्ता वैभव विभाग में आप सौनु स्वागत छे। आजनी वार्ता शरीर श्रम अने सेवा। दोस्तों, आ वार्ता इन्फोसिस ना वड़ा नारायण मूर्ति ना पत्नी सुधा मूर्ति ना एक प्रसंग उपर नी वार्ता छे। मित्रों, आपणे सौ जाणीए छीए के सुधा मूर्ति ए एकदम सरळताथी पोतानुं जीवन अब्जोपति होवा छतां पण पसार करे छे। एना जीवननी जे सादगी छे, एनी पोतानी रहेणी कहेणी छे, एना जे कपड़ा छे, एना पोताना साधनो छे, ए बधा ज एक सामान्य ग्रहणीना होय ए प्रकारना साधनो छे। एटले के साचा अर्थमां एक आदर्श सामान्य कुटुंबमां रहेती ग्रहणीनी जेम रहीए छे। एना द्वारा करोड़ो रूपियाना दान जुदा जुदा क्षेत्रमां थयेला छे। पछी एक क्षेत्र कोई शैक्षणिक संस्थाने तैयार करवानी होय के अन्य प्रकारनी आरोग्यनी भूमिका पर हॉस्पिटल बांधवानी होय के अन्य प्रकारनी कोई चेरिटी होय जेनी अंदर ए काम करवा माटे सुधा मूर्ति द्वारा दान अपायेला छे। सुधा मूर्ति इन्फोसिस कंपनीना चेरमेन छे। पण आपणने बहु ओछाने खबर हशे के दर वर्षे वर्षमां 3-4 वखत दक्षिणनी अंदर एक मंदिर छे अने ए मंदिर मां ए कोई ने कोई प्रकारनुं काम करी पोताना शरीरथी अने जे कंई आवक मळे ए आवक ए मंदिरने दानमां आपे छे। कदाच सीधे सीधा दान में करोड़ों रूपया आपवा धारे तो पण आपी शके मां कोई शंका ज नथी। पण ये माने छे के शरीर थी श्रम करी अने जे आपणे कमाईए एनु दान जो करीए तो ये दान श्रेष्ठ गणाय। एटले वर्षनी अंदर 3-4 वखत त्या मंदिरनी बाजूमां शाकभाजी वेचे छे। एटले के जेम शाक बकालू वेचती बहनों होय ने एनी जेम वेचे कोई ने खबर पण न पड़े अने ई शाकभाजी वेचता जे कंई पैसा मळे ए पैसा ए मंदिरनी अंदर दान करी दे। कोई के एमने पूछू के तमे आवुं शुं काम करो छो, तमारी पासे तो घणा बधा पैसा। अत्यारे सुधा मूर्तिजीए एम कीधुं के अमे घणुं बधुं दान करी छे पण एने कारणे जीवनमां क्यारेक अहम आवी जाय, क्यारेक एम थाय के आपणे जे करी छे कोई करी शकतुं नथी, तो ए अहमने घटाडवो जोईए। अने ए अहमने घटाडवा माटे एक ज रस्तो के शरीरनो श्रम करी अने पछी जे कमाई ए पैसा जो आपणे आपीए तो आपणो अहम एकदम नीचो आवी जाय अने आपणने पोताने जे करोड़ों रूपियानुं दान करी छे एनो आपणे क्यारे अभिमान पण न आवे। केटलो ऊंचो विचार! मारे सौ धनपतिओ ने दान करता तमाम व्यक्तिओने केवुं छे के आ दाननी भूमिकामां ख्याल आवे छे। जे लोको पासे पैसा खूब छे, जेनी पासे संपत्ति खूब छे, ए तो कदाच करोड़ो रूपियानुं दान आपता होय एमां कोई नवी वात नथी। पण तमे शरीरथी कोई काम करो, मजूरी करो, तमे कोई खेतरमां काम करो, तमे अन्य कोई जग्याए काम करो, कोईनुं सामान उचकीने काम करो, अने एमांथी जे पैसा मळे ए पैसानुं दान तमे जो करो तो ए तमारा पैसा परसेवानी कमाणी अने ई दाननुं मूल्य बहु मोटुं अने ए दाननी फलश्रुति पण मोटी। एवा दानथी कोई मंदिर थयुं होय तो पण भगवानमां प्राण आवे। एवा दानने कारणे कोई हॉस्पिटल बनी होय तो कदाच एक करुणानी भूमिका उपर काम करती हॉस्पिटल बने। एवा दानने कारणे कदाच कोई शाळा बनी होय, कोई शिक्षण संस्था बनी होय तो एनी अंदरथी निकळता
हजारों ने लाखों विद्यार्थियों एक उत्तम प्रकारे देश नु रक्षण करी सके, काम करी सके, पैसा कमाई सके ने गाताई सके। मित्रों, मारे आ सुधा मूर्ति जी नी वात करी छे तो बहु उत्तम बात छे, पण आज प्रकारे अनेक व्यक्तियों पोतानु आ काम करी अने पछी दान आपे छे एवी भारत मा अनेक व्यक्ति छे। तमने खबर छे के घणा वर्षो पहला अपना राष्ट्रपति जेल सिंह એ બહુ મહાન વ્યક્તિ હતા, એ રાષ્ટ્રપતિ હતા એ વખતે એ ગુરુદ્વારાની અંદર નીચે બેસી અને કોઈ બધા જે આવતા હોય તો એના જે બૂટ ચપ્પલ છે મૂકી અને ઘોડામાં મૂકી અને એનું ધ્યાન રાખવાનું કામ પણ એ વર્ષમાં અમુક કામ કરતા, કેટલાકના બૂટ ઉપાડીને પણ ત્યાં મૂકી આવે। અને આ લેવલની વ્યક્તિ જો આ જ પ્રકારનું કામ કરે અને એ ખરેખર સેવા એટલે કે શરીર શ્રમથી થયેલી સેવા, એનું કોઈ મૂલ્ય જ નથી, અમૂલ્ય વસ્તુ છે જેને કોઈ સાથે સરખાવી શકાય જ નહીં। મારે સૌ ધનપતિઓને, મારે સૌ બહુ મોટા મોટા મહાન વ્યક્તિઓને, કોઈ તત્વચિંતકોને, કોઈ વિદ્વાનોને પણ મારે કેવું છે કે તમે તમારા જ્ઞાનનો, તમારી શક્તિનો, તમારા પૈસાના અનુસંધાનમાં તમે દાન કરો છો, પણ કોઈક વાર શરીર ઉપરનો પરસેવો પાડો, શરીરથી શ્રમ કરો અને એના પૈસા ભલે થોડાક જ આવે એનું જો દાન કરશો તો આપોઆપ આપણા બધી બાબતોનું અભિમાન ઉતરી જશે અને આપણને જીવનની અંદરનો ભાર ઉતરી જશે। સૌ કોઈ ધનપતિને મારે આ વાત કરવી છે, ઓછામાં ઓછું વર્ષમાં એકાદ વખત આ પ્રકારે દાન જો કરશો અને જો કરશો તો જીવન શુદ્ધ થશે, શરીર શુદ્ધ થશે, મન શુદ્ધ થશે, મનનો અભિમાન એકદમ ઉતરી જશે, મનનો અહમ એકદમ તળિયા ઉપર આવી જશે અને સાચા અર્થમાં તમે ઈશ્વર પ્રાપ્તિની વધારે નજીકમાં જઈ શકો એમ આપણને આ સુધા મૂર્તિજી કહે છે। ધન્યવાદ છે એમની વિચારધારાને, ધન્યવાદ છે એની વિચારધારાના પરિણામને પણ ધન્યવાદ છે। સૌ કોઈ માતાઓ પોતાના સંતાનને આ વાર્તા જરૂર કહો અને આપણા સંતાનો આગળ વધે એવી શુભેચ્છા, ધન્યવાદ।